हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये क्वेश्चन है जो कि 9th क्लास के किसी बच्चे ने भेजा हुआ है। आज हम इसे डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के प्रति अंडरस्टैंडिंग होना बेहद ज़रूरी है। जब क्वेश्चन हमें समझ आ जाता है तो हम इजीली उसे कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम उसे नहीं कर पाते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, एंड द अम्ब्रेला इज द मेड बाय स्ट्रेचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ द क्लॉथ इन टू डिफरेंट कलर। ओके, दो कलरों से 10 पीसेज, कपड़े के 10 पीसेज से दो कलरों से एक जो है आपको अम्ब्रेला बना तैयार किया गया है। इज द पीसेज ऑफ मेजरमेंट, एक पीस की आपको मेजरमेंट दे रखी है। हाउ मच क्लॉथ, कितना रिक्वायर्ड होगा क्लॉथ, वो हमें बताना है। ओके, सबसे पहले आप देख लेते हैं कि हमें जो साइड्स दी गई हैं वो क्या हैं। देखें, ए इज इक्वल टू आपको दिया है 50 एंड बी इज इक्वल टू आपको दिया है 50 एंड सी इज इक्वल टू आपको दिया है 20। क्लियर, एग्जैक्ट क्लियर। ओके, हमें पता है हम जब एरिया निकालते हैं हीरोन्स की मदद से, जब एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ शेप्स क्या होता है, थ्री साइड्स यानी ट्राइंगुलर शेप्स का एरिया हम जब निकालते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एस, होता है फॉर्मूले में ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। देखें, एस माइनस सी होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एस क्या है। देखिए, ए बी सी तो साइड है, ये ए बी सी जो हैं वो तो साइड हैं जो कि गिवन है, बट बेटा देखें ये एस जो है वो सेमी पैरामीटर है। क्या है, सेमी पैरामीटर है। जब सेमी पैरामीटर की बात करेंगे आप, एस जो है सेमी पैरामीटर है, ये ए बी सी की सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, इसमें है सेंटीमीटर, तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाले जो है ए बी सी हमें क्या है, गिवन है, साइड्स गिवन दी गई हैं। तो देखें, सबसे पहले आपको सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं सेमी पैरामीटर एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 50 + 50 + 20 / 2। ओके, यहाँ पर किया तो ये आ गया 120 / 2, तो ये आपका 60 सेंटीमीटर आ गया सेमी पैरामीटर। क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया सेमी पैरामीटर, 60 है भाई ये। ओके, जब एस हमारा 60 सेंटीमीटर आ चुका है तो अभी आपको करना ये है कि जो एरिया ऑफ शेप्स है, एरिया ऑफ शेप यानी एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप, तो ट्रायंगुलर शेप का मतलब ये है कि एक कोई फिगर, ये वाला फिगर का एरिया की बात करेंगे अभी, तो हम एक फिगर का एरिया निकाल रहे हैं, तो एक फिगर का एरिया निकालेंगे। तो देखें, मैं इस फॉर्मूले में जो एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें क्या करने वाला हूँ, वैल्यू पुट करने वाला। जब मैंने वैल्यू लगाई तो एस जो है मेरे पास 60 है, तो यहाँ पर लगाया 60। यहाँ पर देखिए, आपको जब एस माइनस ए करेंगे तो 60 से 50 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा, और यहाँ पर 40 को, यहाँ पर देखें 60 से आपने कितना 20 को माइनस करेंगे तो 40 आएगा। ओके, ये हो जाएगा। अब जब आप फैक्टर करने बैठेंगे तो फैक्टर के लिए आपको मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पर मिलेगा 6 × 10, 40 का करेंगे तो 4 × 10, और यहाँ पर जो मिलेगा आपको मिलेगा 10 × 10, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप देख लीजिए, इन फॉर्मूलों के बेस पर हमने जब इन्हें किया तो इन्हें एक्सपेंड करने की बारी, एक्सपेंड किया तो देखें 10 10 के पेयर, देखिए 1 2 3 4 यानी 2 2 के पेयर अंडर रूट से बाहर आते हैं, तो यहाँ पर 10 × 10 बाहर आ गया। ओके, अंडर रूट के अंदर से। अब यहाँ पर 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 यानी कि 1 पेयर 2 का बाहर आ जाएगा। ओके, 6 के फैक्टर करेंगे 2 × 3, कोई भी पेयर नहीं बनेगा, वो 6 का 6 ही रहेगा अंडर रूट के अंदर। तो जो आपका वन शेप का जो एरिया होगा वो आएगा 10 × 10 = 200, ये आ गया आपका √6 cm². ये आपका एक फिगर का, इसका एक पार्ट का एरिया आ गया, यानी कि आपके पास जो टुकड़ा है ट्रायंगुलर शेप में, एक टुकड़े का एरिया इतना है। हमारे पास टोटल एरिया निकालना है इस शेप का, टोटल एरिया ऑफ शेप जो हमें शेप दी गई है, इस शेप का अगर टोटल एरिया देखें तो उसमें 10 पीसेस हैं, 10 × एरिया ऑफ पीस, क्या एरिया ऑफ वन पीस। तो जब देखें वन पीस का एरिया अगर हम लगाएंगे इसमें, तो 10 है हमारे पास और वन पीस का एरिया है 200 में
रूट सिक्स, तो यहाँ पर क्या 2000 हो जाएगा, 2000 रूट सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका टोटल रिक्वायर्ड एरिया फॉर दिस ट्रायंगुलर शेप, है ना। ऑल ओवर ट्रायंगुलर शेप के लिए इतना हमें एरिया चाहिए होगा जिससे हम अपने कपड़े को खरीद कर अपना अम्ब्रेला तैयार कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ हमारे चैनल पर मिलते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। यदि आपका भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, देन उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।